अब गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट जाना आसान होगा, क्योंकि दिल्ली से मेरठ तक बनने जा रही आरआरटीएस कॉरिडोर अब जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। यूपी सरकार ने कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। रैपिड रेल के जिस नए रूट को मंजूरी दी गई है वो गाजियाबाद से शुरू होकर नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा और इस नए रूट में करीब 12 स्टेशन होंगे। गाजियाबाद, गाजियाबाद दक्षिण, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 2, नॉलेज पार्क 5, सूरजपुर, परी चौक, इकोटेक 6, दनकौर, ईडा नॉर्थ सेक्टर 18, ईडा सेंट्रल सेक्टर 21-35, जेवर एयरपोर्ट। माना जा रहा है कि 2031 तक इस रूट पर रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। इसके लिए रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। ये रूट 72 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे दो फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में गाजियाबाद से इकोटेक 6 तक का काम पूरा होगा। इसकी लंबाई करीब 37 किलोमीटर है। दूसरे फेज में इकोटेक 6 से जेवर एयरपोर्ट तक का काम पूरा किया जाएगा। ये रूट करीब 35 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना पर तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का विस्तार जेवर एयरपोर्ट तक होने से दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट की दूरी भी कम हो जाएगी। माना जा रहा है कि अब आईजीआई एयरपोर्ट से नोएडा एयरपोर्ट तक महज 79 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। वहीं मेरठ से नोएडा एयरपोर्ट 85 मिनट में, सरायकाली खां से नोएडा एयरपोर्ट 69 मिनट में और गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट महज 50 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में रैपिड रेल भी एक अहम हिस्सा है। इसी साल अक्टूबर में उन्होंने साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और अब जल्द ही गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा के लोगों को भी एक सौगात मिलने जा रही है, जिससे दिल्ली वासियों को भी बड़ा फायदा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।